की मनोकामना जैसे कच्चे खाए बने। क्या कर रहे हैं भाई? नीली चड्डी में भाई पेंट पहन लिया होता है। गंगा माई 12 महीना और ये गुफा के अंदर साइड से ये दे दो भी जिसकी मनोकामना पूरी हो। मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल रोहित ब्लॉग्स पर भाई। पर और आज हम लोग भाई ऐसी जगह जा रहे हैं जैसी जगह भाई आज से पहले आप लोग कभी नहीं गए होंगे और मैं भी नहीं गया, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मौना सही है, मैं भाई अभी बिजावर में हूँ और बिजावर से जटा शंकर से भाई जैसे भी रास्ता मालूम चलेगी वैसे आप लोग को बताते चलेंगे। और हमारे साथ जा रहे हैं भाई पंकज भैया, केशव भाई और सौरभ और निहाल और मनीष। इतने लोग हम लोग जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। तो जैसे अभी भाई पता चलते चलेगा, रास्ता वैसे तो मालूम नहीं है, पता करते करते चलेंगे। वहाँ पास भाई 4-5 मंदिरों के स्थान है तो वहाँ की भाई दर्शन कराएंगे आप सभी को। ठीक है तो चले चलिए, तो चलते हैं भाई। चलो 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 चलो, किस में बैठ रहे हैं? उसमें बैठ जाओ मनीष, तुम हाउस वाली में बैठ जाओ, इसमें हम बैठ जा रहे हैं, केश सबके साथ बैठ जाओ तुम। चलो चलते हैं तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग भाई जटाशंकर के मोड़ी पास आए हैं बिजावर से। ये देखो पीछे गेट लगा हुआ है, तो हमको यहाँ से अभी मुड़ना है, फिर यहाँ से आगे चल के पता करते हैं मोना सैया की रास्ता। आगे चल के फिर एक और मोड़ है, वहाँ से मुड़ेंगे। ठीक है तो आप लोग को पूरा बताते चलेंगे ब्लॉग में, और ब्लॉग देखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा। और आप लोग को वहाँ का स्थान देखोगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलें निकले यहाँ से भी। आप लोग को मैं भाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ, सब कुछ पूरा दिखाऊंगा। ये देखो चढ़ा से तो गाइस अभी हम लोग भाई पहुंचे हैं जटाशंकर के आगे, थोड़ा सा दूर और बचा है जटाशंकर। ये देखो आप लोग को बोर्ड दिखाते हैं, फिर यहाँ से अगर आप लोग बाइक से आए हो तो ऊपर जाओगे, बाइक से जाना है तो दो रास्ता गई हुई हैं, आप लोग को पूरा बताते हैं। ठीक है यहाँ से तो ये देखो ये लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से जटाशंकर 11 किलोमीटर दूर बचा है और साहेगढ़ 15 किलोमीटर दूर। यहाँ से दो रास्ता गई हुई है, एक गई हुई है जटाशंकर के लिए सीधा सीढ़ी से जाना है ऊपर, और ये गई है बाइक वाइक से अगर ऊपर जाना है तो ये वाली, तो हम लोग ये वाली यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं फिर आगे और भी बताते चलते हैं। ठीक है आप लोग को तो चलिए पूरा बताते चले। ठीक है फुल वॉच करते चल रहा हूँ, लाइक करते चल रहा है यार, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते चल रहा हूँ। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो भाई पूछ के भाई जा रहा हूँ यहाँ पास, और आप लोग को तो दिखाते ही चल रहा हूँ कैसे क्या। तो गाइस अभी हम लोग जटाशंकर के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से भाई चार रास्ता गई हुई है। अब चार रास्ता में से कौन सी वाली रास्ता चलते हैं वो आप लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ से गई हुई है ये देखो, ये आप लोग तो आए होंगे जटाशंकर कभी, यहाँ से स्टॉप, यहाँ से सीढ़ी गई हुई है, ये वाली सीढ़ी वाली रास्ता गई है, और इस वाली रास्ता से हम लोग आए हैं, इस वाली रास्ता से। और एक ये गई है रास्ता और एक ये गई है रास्ता। अब देखते हैं, आप लोग ने ऊपर आके देखा होगा ये दुकानें लगी हुई हैं आप लोग ने जटाशंकर के ऊपर आके। अब मोहना सही के लिए देखते हैं कहाँ से, मोहना सही के लिए आप बताओ कहाँ से चलना है, कौन सी गाड़ी है बताओ ना, मैप में देख रहे हैं यार। यहाँ से तो नहीं पूछा यार किसी से, अंकल से पूछते हैं यार। मोहना सही के लिए रास्ता ये वाली, ठीक है भैया धन्यवाद, वाला देना भैया वापस, ये वाली है, यहाँ से गई है, खुल गया मैप, ये वाली है। चलो तो चलते हैं, चले सौरभ, चलो चलो चलो
चले मजा आ रहा है, अब आएगा लेकिन यहाँ से और भी ज्यादा मजा आएगा है ना। घटाई एक नंबर रही बजी बात है। हाँ घटाई तो भाई वहाँ की मोड़ आप लोग ने देखी, ये जो गई हुई है ना गाइस मोड़, ये यहाँ से सीढ़ी आती है यहाँ पास से, ये वाली मोड़ अपन को जाना है ठीक है। ये देख लो आप लोग पहचान लो, ये बगल में बोर्ड भी लगा हुआ है वैन बसेरा ठीक है। चलो चलो, तो ये गाइस मोना सैया के लिए मोड़ आ गई है, सीधे सीधे आप लोग को ये बोर्ड मिल जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है मोना सैया मार्ग गैलरी। चलो चलते हैं, और ये है गेट मोना सैया के लिए अंदर घुसने के लिए, तो हम यहाँ से अब चलते हैं। तो ये रही कच्ची रास्ता से जाना पड़ रहा है, कच्ची रास्ता बनी खड़र वड़र खड़र वड़र, यहाँ से आप लोग बाइक में आओ तो भाई अच्छे से आना, पहले से सावधान कर रहा हूँ। ये देखो भाई और ये कुछ लोग जा रहे हैं भाई पैदल देखो। तो फाइनली हम लोग भाई मोना से ये पहुंच चुके हैं, और अभी भाई पंकज भाई ये लोग पीछे रह गए, हम लोग आगे आ गए हैं। तो चलिए अब भाई यहाँ से चलते हैं, ये देखो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पास प्रसाद अरसाद के लिए अंकल जी बैठे हुए हैं, प्रसाद ले सकते हो आप, फिर यहाँ से लेने के बाद फिर चलते हैं। चलिए तो भाई नीचे आप लोग को भाई भगवान के भगवानों के स्थान दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं ठीक है। आओ जल्दी पैदल का ही आ गए, उन लोग पैदल आ गए। देखो उतर गए भाई धचकों के कारण, बहुत खराब रास्ता थी। पैदल क्यों आ गए? मनीष प्रसाद ले लो यहाँ से, चलो हम प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग भाई वहाँ से आगे से मतलब पैदल स्टार्ट किए हम लोग चलना, और पैदल ही चलते जा रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा आप लोग को पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चल के कुल मतलब ज़्यादा दूर नहीं आधा किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पास, क्योंकि रास्ता अजीब है ना, तो बाइक आइक नहीं आ सकती, गाड़ी कुछ भी नहीं। यहाँ से हम लोग भाई सभी लोग, ये देखो भाई कितनी ख़राब रास्ता है, देखो पत्थर ही पत्थर पत्थर ही पत्थर, और वो जा रहे हैं भाई कुछ लोग। चलिए तो भाई वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं भाई, अगर भाई बता रहे हैं अंकल से पूछा वहाँ पास भाई सिल्वर फॉल भी है, आप लोग को एक बात बताएं, आप लोग बता नहीं सिल्वर फॉल भी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सिल्वर फॉल में, क्योंकि वहाँ पास पानी भी है, क्योंकि हमने भैया से पूछा भैया पानी वहाँ पर कहा था बहुत, तो भाई वहाँ पास भाई नहाने की तो भाई मेरी बहुत इच्छा है, नहाएंगे वहाँ पास ठीक है। तो गाइस यहाँ पास देखो पूरा चारों ओर पत्थर ही पत्थर, ये देखो एक के ऊपर एक भी खड़े हुए हैं, ये देखो ये के ये के ये देखो मनोकामना जैसे कच्चे घर बने भगवान तो गया। अच्छा इन पत्थरों को ऐसे रख दो यहाँ पास, जो भाई जो कोई भी आता है तो भाई फिर घर में पक्के बन जाएंगे, जिनके घर कच्चे बने हैं है ना, पक्के बन जाएंगे तो अपन घर मिटा भी आएंगे। अच्छा मिटाने भी आएंगे फिर, चलो बढ़िया है यार। देखो आंटी ने बताया अभी ये पत्थर का मतलब भी कुछ है, आप लोग को बताएं, यहाँ पास अगर आप लोग आते हो तो आपके घर आपका घर अगर कच्चा बना है अभी, तो अगर आप लोग इस पत्थरों को एक ऊपर एक रख के चले जाएंगे तो आपके घर भाई कुछ दिन बाद या टाइम कुछ टाइम बाद भाई आपके पक्के घर बन जाएंगे, फिर उसके बाद आप आके इनको मिठाने भी आ सकते हैं, इसका रीज़न ये है, इसीलिए पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ से भाई हम लोग पहुँच ही चुके हैं, ये भाई ओ हाँ कहाँ पास दिख रही है, ओ ये देखो भाई हम लोग भाई एकदम करीब आ चुके हैं मोना सैया स्थान पास। देखो ये यहाँ पास देखो गया है झील पानी का, दिखाते हैं चल के, देखो वो गई है सीढ़ी, वो गई हुई है वहाँ से अपन लोग नीचे उतरेंगे, वो पहुँचे भाई सभी लोग। तो गाइस यहाँ पास आप लोग आगे आते हो तो यहाँ पास देखो दुकानें भी हैं, यहाँ पास भी हैं प्रसाद अरसाद लेने के लिए, तो आप लोग यहाँ से भाई प्रसाद भी ले सकते हो ठीक है। हम लोगों ने भाई आगे ही वहाँ पास ले लिया था, बट आप लोग को बता रहे हैं अगर वहाँ से नहीं लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं।
ये रहा भाई गेट नीचे जाने के लिए, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है। ये मंदिर की घंटी चले स्लीपर कहाँ से उतारेंगे? अबे मत कूद, ठीक है गिरेगा ना बहुत खराब लगेगा, मत कर बहुत खराब लगेगा गिरेगा, देख देखो कैसे कर रहा है, देख ये कूदेगा पक्के। हाँ गुंजे नहीं गिरेगा वहाँ थम जाएगा, तू पकड़ लेना। तो गाइस अभी हम आ गए हैं, ये देखो सीढ़ियों के नीचे उतर के, और ये है सामने, अंदर ही घुसना है हम लोग को, उसके अंदर चलते हैं। और वहाँ पास देखो भाई नहा रहे हैं भैया लोग भी, और जितना जानकारी मिलती जा रही है उतनी जानकारी आप लोग को देते चल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पास सुना है, ये बच्चे लोग यहाँ पास मनोकामना के लिए भाई बंधा हुआ है बहुत सारे, और इसके नीचे ये गुफा के नीचे चलते हैं हमें, गुफे के नीचे बहुत बड़ा गुफा है, ये देखो ये देखो वहाँ पास खड़े होके मैं तो नहाने वाला हूँ भाई। तो भाई देखो भाई यहाँ पास मैं नहा रहा हूँ और गुफा के नीचे ही, फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। यार बहुत मजा आ रहा है, चलो प्रसाद भी चलाना कपड़े पहन लो। अब हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भाई, देखो यार मैं कुछ लेके नहीं आया था, वैसे ही पहन लिए मैंने कपड़े। देखो भाई मैंने नहा के भाई कपड़े पहन लिए और चड्डी एड्डी कुछ नहीं लाया था, अब ध्यान मत देना कि भाई रोहित भाई आपने भाई गीली चड्डी में भाई पेंट पहन लिया, और शायद क्योंकि घर तो जाना ही है तो वहाँ जाके पेंट कर लूँगा, होगा अब देखा जाएगा। भाई मंदिर आए नहा के, अब प्रसाद चढ़ा देते हैं, ठीक है प्रसाद, चलो भाई हम प्रसाद चढ़ा देते हैं। ओ माय गॉड कैमरा में पानी में चला जाए भाई, ये घंटी बजा देता हूँ बाबा जी अपने। ये देखो पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अभी उनसे भाई कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है पहले प्रसाद चढ़ा दे हम। तो गाइस अभी हमने भाई प्रसाद चढ़ा दिया है मंदिर में, और प्रसाद चढ़ाने के बाद पंडित जी से पूछते हैं यहाँ की जानकारी, भाई यहाँ कौन कौन से मंदिरों के स्थान हैं, तो सभी स्थान में आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ तो पंडित जी अब बताएंगे यहाँ के बारे में, कितना क्या प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर और कौन कौन मंदिरों के स्थान हैं, तो आप बताइए। लगभग 80-90 साल से ये प्रसिद्ध हो गया, मौना सजस का नाम है, हमारे गुरु महाराज ने इसको जागृत किया, कोई यहाँ पहले रुक भी नहीं पाया, हमारे गुरु महाराज जी जब से डेरा डालो यहाँ तो कभी गए भी नहीं है, किसी के द्वार मांगने नहीं जाते हैं, ना पैसे मांगने ना आटा मांगने, जो है मालिक यहाँ सब कुछ पूर्ति करता है। सिद्ध आलू आने जाने में बहुत परेशान हैं, रास्ता नहीं है यहाँ के लिए, रोड चाहिए हमें और लाइट भी चाहिए, और एक कुंड भी बनना चाहिए, आने जाने में बहुत परेशान है। सिद्ध आलू पहाड़ इलाका है, और यहाँ मोना सैया इस आश्रम का नाम है, यहाँ पचमुखी हनुमान जी हैं, पचमुखी भोलेनाथ हैं, यहाँ सिद्ध गुरु महाराज जी हैं, और यहाँ द्रव्यष्टि ज्योति जलती है, और यहाँ संत श्रोमणी रविदास जी हैं, शनिदेव का मंदिर है, एक यहाँ सिद्ध महाराज का मंदिर है, और जो भी जिसकी मनोकामना पूरी होती है
जो भी किसी को दांत खाज पथरी बवासीर ये दवाइयाँ भी देते हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, जिसकी जो इच्छा है तो वो चढ़ा जाए और ना है तो अपने दवाई ले अपना ठीक। आइए थोड़ी चल के बता दीजिए यहाँ सब स्थान। तो ये पंडित जी बता रहे हैं हमको ये मंदिर है, ये मंदिर है संत शिरोमणि रविदास जी का, संत शिरोमणि रविदास जी का। हाँ, ये पठोटा में गंगा बारह महीने आती है, न इसमें कोई कहीं से डालते हैं न कहीं से, अपने आप अच्छा गंगा आती है ना, ये पहाड़ से टपकता है एक एक। चलो और भी चलते हैं। ये यहाँ अंदर साइड एक और, ये हमारा 12 महीना हमारे गुरु महाराज ने धूना इसको सिद्ध किया, तो ये कभी धूना बुझ नहीं सकता है, इसमें से आग कभी बुझ नहीं सकती। अच्छा, इसमें से जो आग है वो नहीं बुझेगी कभी, कभी नहीं। अच्छा चलो, बड़े जो है ये कोई बनावटी नहीं है, आप देख लीजिए मूर्त, आप फोटो निकाल लीजिए। अच्छा, ये गणेश जी का है, गणेश जी का है जी स्थान। अच्छा हो, चलो ठीक है, ये अपने से बने हुए हैं ना। चलिए, और ये गुफा के अंदर साइड से ये देखो कुछ, ये यहाँ ये सिद्ध गुरु महाराज का स्थान है। अच्छा, और ये दरबुस्ती जो की जलती है 12 महीना, आज लगभग 80-90 साल से जल रही है, तो कृपा है गुरुदेव की, कोई इसके नाम से घी लाता है तो उसमें डाल वो देखो जाते हैं। हल्की हल्की आपको दिख रही है ना जो जली। हाँ, ये देखो वो जो दिख रही है। हाँ, ये जल रही है 12 महीना जलती है ना, 12 महीने में जलती है ये। अच्छा, पंचमुखे हनुमान जी है। हाँ, ऐसे डालना था, ये हनुमान जी का स्थान है। हाँ, पंचमुखी है। और ये पंचमुखी भोलेनाथ की, ये भोलेनाथ जी पंचमुखी, पंचमुखी ये पार्वती महादेव, ये पार्वती जी एक स्थान है और महादेव। ये गंगा माई 12 महीना बहती है यहाँ पर। अच्छा हाँ। चलो बढ़िया, देखो ये 12 महीना बहती है भाई, गंगा माई 12 महीना बहती है। उमस से भी गंगा है और धूबस से भी गंगा है। अच्छा, और गंगा मुख भी गंगा, ये देखो झरना चल रहा है, ये गरम तो बेटा जी। और ये गाइस यहाँ पर बाहर साइड निकल के यहाँ से शनिदेव भगवान का स्थान है, मंदिर है, ये शनिदेव भगवान जी का मंदिर है यहाँ पास, ये देखिए आप। चलो बढ़िया, आप सभी को मैं दर्शन कराते चल रहा हूँ सभी स्थानों के। तो गाइस आप लोगों ने देखा, आप लोग को भाई सभी स्थान दिखाए यहाँ के भाई, और बहुत सारे स्थान है, बब्बा जी का मंदिर है, शनिदेव महाराज जी का भी है, शंकर पार्वती जी का भी है, और सिद्ध गुरु उनका भी है, यार नाम नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान जी का स्थान है, बहुत से स्थान है, आप लोग को सभी के दर्शन करवाए। और यहाँ पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, जो आप लोग को भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको सैर करना है, ताकि यहाँ पास भाई जल्दी से जो चीज़ की कमी है वो व्यवस्था पूरी बन जाए यहाँ की पूरी। भाई यहाँ मेरी भाई यही गुजारिश रहेगी यहाँ के भाई अपने मंत्री जी से कि भाई यहाँ की जल्दी से सुनवाई की जाए, लाइट की भी कमी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आप लोग को तो पूरा दिखाया, बहुत मज़ा आया, मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पास, और पंडित जी भी ने हमको बताया स्थान के बारे, आप लोगों ने देखा है तो है ही है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से, प्रसाद अरसाद तो चढ़ा दिया है यहाँ पास हमने, और बस हो गया हमारा इतना, और अब चलते हैं घर, चलना है घर भी चलना है, निकलना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ पास पत्थर ही पत्थर है, और देखो ये सिल्वर फॉल आप लोग को दिखाते हैं बाहर से, यहाँ से कितना मस्त लग रहा है, ये देखो ये। बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है यहाँ पास। वेलकम। तो गाइस देखो, हम लोगों ने सारा घूम लिया यहाँ का पूरा, और बहुत अच्छा लगा भाई। पंकज भी आपको अच्छा लगा ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भाई। सौरभ भाई अच्छा लगा? मनीष को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी आई, आप लोग को भाई रास्ता तो मैंने बता ही दी है कि कैसे क्या आना है, पूरा दिखाया आप लोग को रास्ता कि भाई यहाँ से ऐसे मुड़ना है, यहाँ से ऐसे मुड़ना है, क्योंकि हम लोग भी पता करते आए हैं, तो भाई पहुँच ही गए, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग आओ, ज़रूर आओ, ठीक है ना, यहाँ पास आना ज़रूर है। और हम यहाँ से भाई अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग पर, जितना हो सका उतना मैंने आप लोग को यहाँ की जानकारी ली और बताई, ठीक है, और ज़्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और सभी लोग यहाँ जितने भी सभी लोग फर्स्ट टाइम हैं, और मैंने भाई बोला था सबको आने के।
तो गाइज बाय बाय यार, अब मैं यहाँ पे एंड करता हूँ ब्लॉग को। जैसा भी लगा तो लाइक कमेंट शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हो भाई चैनल पे। तो बाय बाय, बहुत मेहनत की आप लोग के लिए भाई, आप लोग भी आओ, बहुत मज़ा आता है घूमने यहाँ पास, मेरे को तो भाई बहुत मज़ा